हाँ जी ट्वेल्थ क्लास आज मैं बेटा आपसे डिस्कस करने लगी हूँ प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी बेटा ए जिसमें आपने 20 एमसीक्यूज़ फेस किए थे यस फर्स्ट क्वेश्चन वॉज लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एन रिलेटेड टू एम इफ एन डिवाइड्स एम

तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहला क्या चाहिए होता है बेटा n रिलेटेड टू n एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू सेल्फ और वो ट्रू है क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल है कि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है सेकंड सिमेट्री के लिए क्या चाहिए होता है बेटा अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से होना चाहिए राइट तो एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है मतलब एन एम को डिवाइड करता है ओके okay? अब मैं इसमें सिंपल एग्जांपल हूं देखिए नेचुरल नंबर में बोला ये एलिमेंट होंगे को डिवाइड करता है दैट मीन्स टू रिलेटेड टू फोर है ओके okay? बट क्या फोर टू को डिवाइड करता है नहीं करता फोर टू को डिवाइड नहीं करता स फोर इज नॉट रिलेटेड टू टू ओके फोर इज नॉट रिलेटेड टू टू तो एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जहां पर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से रिलेटेड है बट सेकेंड फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है दैट मींस नॉट सिमेट्रिक ओके नॉट सिमेट्रिक नाव प्रांजिटिव प्रांजिटिव के लिए क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से रिलेटेड हो सेकेंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड हो तो फर्स्ट थर्ड से होना चाहिए अब फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड करता है सेकेंड थर्ड से रिलेटेड मतलब सेकेंड एलिमेंट थर्ड को डिवाइड करता है एम पी को डिवाइड करता है अब आप सिंपल एग्जाम्पल लो टू थ्री को डिवाइड कर रहा है सॉरी टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है सिक्स फर्दर ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है स टू सिक्स का फैक्टर है सिक्स फर्दर ट फैक्टर है तो टू ट्वेल्व का भी फैक्टर होगा ना ये तो हम नेचुरल नंबर से बात करते आ रहे हैं जब एन एम को डिवाइड कर रहा है एम पी को डिवाइड कर रहा है तो एन पी को भी डिवाइड करेगा ये हमारी बेसिक नॉलेज कहती है कि डिवाइजर ऑफ ए नंबर ऑल्सो डिवाइड एनी मल्टीपल ऑफ एके

ओके okay. और बुक में भी बहुत बार पूछा गया है और अदर इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं तो that means, मुझे लगता नहीं कि जिन्होंने भी ये टॉपिक है उनको ये करने की जरूरत पड़ी होगी कर पाए होंगे yes. आपकी MCQ के कही आपको आंसर याद करवा देती है बेटा रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक नहीं थ्री अब स्केलर मैट्रिक कौन सी होती है जिसके डायगनल एलिमेंट सेम है और आफ डायगनल एलिमेंट सभी जीरो है ठीक है डायगनल एलिमेंट सेम है ऑफ डायगनल एलिमेंट सभी जीरो है ये ए जो इस फॉर्म में दी है कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है अब हमें फर्दर दूसरा क्या कहा है ए वन टू ए वन टू मतलब ये एलिमेंट ए वन टू राइट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए टू टू दैट मीन ये एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए टू सॉरी ए थ्री टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम इन सब का सम आपको दे रखा है थ्री दैट मीन्स क्या हो गया के आपको दे रखा है थ्री राइट right? और हमें डिटर्मनेंट निकालने को कहा है अगर आपको ध्यान हो तो बेटा डिटर्मिनेंट के लिए एक आपको सिंपल रिजल्ट बताया हुआ था यही कैलकुलेशन पर्पज से ही कि डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है डायगनल मैट्रिक्स ये है। डायगनल मैट्रिक्स में जब सभी डायगनल एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो वो स्केलर कहलाती है राइट right? तो ये डायगनल एलिमेंट के है के इंटू के इंटू के तो के क्यूब हो गया के हमें यहाँ इनडायरेक्टली ढंग से दे दिया इस रिलेशन से थ्री तो थ्री हो गया दैट मीन्स ट्वेंटी सेवन ओके

और ए का ऑर्डर डायरेक्टली तो नहीं दिया बट ए इनवर्स हमें दिख रहा है बेटा टू बाई टू ऑर्डर की है तो दैट मीन्स ए भी टू बाई टू की होगी तो दैट मीन्स सिक्स पावर टू राइट बट अब डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए तो नहीं दिया हुआ ए इनवर्स दिया हुआ है और आपको रिजल्ट क्या दिलाऊं? एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज वन अपॉन डिटर्मनेंट ए ये रिजल्ट डिटेल में मैं आपसे बात कर चुकी हूं बहुत बार इसको अगर यूज करें तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ए इनवर्सिस दिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इसको आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज सिक्स दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया बेटा डिटर्मिनेंट ए हो गया वन बाय सिक्स राइट उसको आप यहां यूज करेंगे दैट विल बी ओनली सिक्स तो okay? so, आपको नो no डाउट एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन रिजल्ट यूज हो रहे हैं रिजल्ट क्विकली रिकॉल होने चाहिए सबसे बड़ी बात उस टाइम आपके माइंड में आना चाहिए यस ये कर सकता हूं और इसी के लिए आपको कहते हैं बेटे प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ऐसे रिजल्ट्स क्विकली आपको रिकॉल होंगे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन if y power 1 by x is 2022 then the value of dy by, by dx is अब ये y में power में 1 by x दिया that means function की power function अब हमें logarithm differentiation use करना है logarithm differentiation use करेंगे हम simply log ले लिया हमने दोनों sides का और हमें पता है मैं quickly ये step है बेटा m m right? और right में भी हमने log लिया तो this will be log of 2022. Next step क्या होता डेरिवेटिव करना डेरिवेटिव किया वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स के प्रोडक्ट रूल यूज होगा यहाँ पर लॉग बाय प्लस वन by एक्स एस such लॉग y का डेरिवेटिव करेंगे हम रूल यूज होगा विद रिस्पेक्ट टू बाय वाई का एक्स, राइट साइड में हम डीवाई बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी दिस विल बी ट्रांसफोर्स टू राइट साइड दिस विल बी वन बाय एक्सर लॉग और ये वन अपॉन एक्स वाई इधर लाएंगे तो आप मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे ये रह जाएगा वाई बाय एक्स लॉक वाई ओके यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा तो बेटा जब भी डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव में भी हमें रिजल्ट दिया हुआ है तो आपको मैं बार बार हिंट देती थी कि आप चेंज करने के लिए उसको वो फॉर्म लाने के लिए गिवन रिलेशन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर सेकंड डेरिवेटिव में इक्वेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव ये यूज कर सकते हैं अभी बाई चांस क्या पावर वन है और वो भी यहां कुछ नहीं है बट हमने इसको लॉग फॉर्म यूज करके चेंज किया कि इस फॉर्म पे कंसंट्रेट करें हम बेटा वन बाय एक्स लॉग बाय वन बाय एक्स लॉग बाय इन वाई तो वाई को तो तो हम लॉग ऑफ 2022 से मल्टी कर सकते हैं ना टू को हम log 2022 पुट कर सकते हैं उससे किसी को भी हम use कर सकते हैं अपने आंसर मैच करने के लिए और जस्ट सी आंसर है यहां दैट आंसर चलिए देखते हैं if a is a square matrix such that a square is equal to a then i minus a whole cube plus a ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है बेटा क्वेश्चन चलिए i minus a whole cube plus a इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे a minus b whole cube वाली मैट्रिसेस में बिल्कुल उसी ढंग से होल्ड करती है जैसे अलजेब्रा में होल्ड करती है i cube minus आई स्केर ए प्लस माइनस ए क्यू प्लस आई होप एक क्वेश्चन हम इतना डिस्कस कर चुके हैं बेटा अब आप तक आपको आदत हो गई होगी आई को हम जितनी मल्कि बार बना मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आने राइट ब्रेक कर करके देखने की जरूरत नहीं है आइडेंटिटी आनी है और आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा राइट ए हमें क्वेश्चन में रखा है और क्यों तो इसको आप ब्रेक करेंगे अगेन ए स्केर आएगा आई मीन टू से ये सब आपको मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार हम कर चुके हैं

क्स्ट क्वेश्चन इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिसक्टर ए ऑन दिस वैक्टर बी इज जीरोन फाइन दूफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन एनदर वैक्टर ए की बी पे बात कर रहे हैं तो ए डॉट बी बी बट ये हमें जीरो कहा है बेटा तो अल्टीमेटली दैट मीन्स हमें वैक्टर ए और वैक्टर बी का प्रोडक्ट जीरो का है क्योंकि इसको डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड भी से वो तो ही है तो जीरो अब ये डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं एक्स कंपोनेंट को एक्स से वाई कंपोनेंट वाई से क्योंकि यहां वाई कंपोनेंट राइट कंपोनेंट को जेड से

आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कई बार ये रिटर्न में मिस्टेक हो जाती है बट स्टैंडर्ड सिंबल इज दिस हम बार लगाते हैं एनीवेज अब हमें ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट मींस ये नॉट ए है राइट right? इसको अगर हमें निकालना है तो दैट मीन्स नॉट ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबिलिटी डिवाइडेड बाई बी की प्रॉबिबिलिटी राइट right? बी की प्रॉबिबिलिटी तो पता है हमें लेकिन नॉट ए इंटरसेक्शन बी की नहीं पता तो थोड़ा कुछ जो और दिया है, हुआ है उस पर ध्यान दे बेटा जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट हो दैट मीन्स ये प्रॉबिबिलिटी हो गई प्रॉबिबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय प्रॉबिबिलिटी प्रॉबिबिलिटी बी तो कैंसिल हो गई वैल्यू पुट करे बगैर तो कर सकते हो प्रोबेबिलिटी नॉट ए क्या हो गया में दो तीन आपको लगे एकदम थोड़ा थोड़ा अभी यही थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल होता है बेटा बिल्कुल तो स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन फेस करके थोड़ा सा डिजहार्टन हो जाते हैं कुछ बच्चे अदरवाइज बीच बीच में देखो थोड़ा सा बैलेंस होता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x इज sin t y इज cos t देन वैल्यू ऑफ dy/dx अब y और x दोनों t की फॉर्म तो में दिए मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म तो dy/dx आपका क्विकली कैलकुलेट होना था dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बट दोनों t के फंक्शन है तो y को विद रिस्पेक्ट टू t किया डिवाइड किया हमने उसे फिर x को विद रिस्पेक्ट टू y को विद रिस्पेक्ट टू t किया cos t का डेरिवेटिव sin t sin t का डेरिवेटिव डिवाइड करना है दैट मींस cos t दिस विल बी sin t ओके tan में तो आंसर है नहीं xy में है तो बस xy में sin t वाज x एंड cos t वाज y तो दिस इज x डिवाइडेड बाय y थोड़ा सा ऑप्शन डायग्रामेट नहीं होता है ओके next question the corner points of the feasible region determined by the system of linear is are 0, 0, 3, 0 2, 3. if the maximum value of this where m and are greater than 0 occurs at both this then value of this okay Kz equal to a beta minus e. is point or is point for maximum value are here that means Z at 2 3. जेड हमारा क्या है बेटा एम एक्स प्लस एन वाई अब टू थ्री पर इसे हम कैलकुलेट करते हो क्या टू एम प्लस थ्री एन और थ्री जीरो पर जो आ रहा है उसके इक्वल होगा थ्री जीरो पर आएगा बेटा थ्री एम प्लस जीरो जीरोस यहां से आपका जा आ जाता है कि टू एम को भी इधर मैं ले आऊ तो एम इज रिलेशन आ जाता है एम और एन में अब हमें जिसकी वैल्यू पूछी है दैट इज एम माइनस फोर एन डिवाइडेड बाई एन अब ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता है क्योंकि अभी तक आपने इसमें देखे हैं कि रिलेशन ऐसे निकल जाते हैं M और N की वैल्यू पूछ ले। अब यहाँ पर एम और एन की वैल्यू ना पूछ के कुछ और पूछ लिया और एम और एन की इंडिपेंडेंट वैल्यू आ भी नहीं रही रिलेशन आ रहा है बट थोड़ा सा इसको और। देखो एम एन एन ही तो इन्वॉल्व है जो रिलेशन आ गया उसको पुट कर दो एम इज थ्री एन इसको पुट कर दिया हमने थ्री एन माइनस फोर एन डिवाइडेड एन होल माइनस एनवाइडल माइनस वन होल क्यूब दैट मीनस माइनस ओके तो कभी भी ये नहीं सारे क्वेश्चन आपके फैमिलराइज नहीं आएंगे हाँ ये जरूर मैं बात कहती हूँ कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव इतने डेफिनेटली चाहिए चीज स्टार्टिंग बट यस yes, जहाँ जहाँ थोड़ा सा चेंज है थोड़ा सा डीप सोचिए आपने प्रैक्टिस की हुई है रिजल्ट याद किए हुए तो बिल्कुल आपका दिमाग चलेगा बट अपने को अगर परेशान टेंस कर देंगे तो फिर कुछ नहीं है इसलिए थोड़ा पीसफुली पेपर करते हैं ओके okay? तो यहाँ आंसर हो गया बी चलिए इफ एज दिस मैट्रिक्स विच इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस नॉन इन्वर्टेबल इन्वर्टिबल कब होती है बेटा जब डिटर्मेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो नॉन इन्वर्टिबल कब होती है जब A होता है ओके ये बेसिक रिजल्ट हम यूज करते हैं बार बार इनवर्स निकालने में और रादर मैट्रिक्स मेथड में यही चीज कहती हूं आपको डिटर्मनेंट ए निकाल के बिल्कुल हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इनवर्स पूछा है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं सिस्टम पूछा है तो सिस्टम सॉल्व होता है या नहीं कंसिस्टेंट है या नहीं कर देते हैं चलिए एनी वे आप तो याद रखिएगा अब इसी रिजल्ट को सिर्फ यूज करना था क्योंकि नॉन इन्वर्टेबल दिया है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो इस डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल एलिमेंट दैट मीन टू एक्स प्लस सिक्स ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स माइनस ट्वेंटी फोर एंड दिस विल होगा तो ये राइट में क्या पॉजिटिव हो गया चलिए नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इनमें से क्या करेक्ट है ठीक है

जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पूछा है और आई थिंक ये इक्वेशन भी आपकी फैमिलइ थी चलिए ए पावर एक्स माइनस वाई a x y को इंडिसेस का रिजल्ट यूज करके हम ये लिख सकते हैं राइट right? और ये इजीली सेपरेबल हो गया रादर आप ये भी लिख सकते हो e x डिवाइडेड बाय e y सीधा पॉजिटिव में आना चाहते हो आपको इंडिसेस के रिजल्ट बार-बार बात करते हैं हम दिस इज नॉट बट ए डिवाइडेड रिवर्स ऑर्डर में हम याद चलिए तो इसको जब हम कर लेंगे यूज दिस विल शोस

अब इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड अब यहाँ क्या हुआ ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव एक आपको बार-बार कहती हूँ याद रखिए डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर एंड फंक्शन इन द डायनोमिनेटर इसका इंटीग्रल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो लॉग ऑफ डेनोम राइट यहाँ पर यही हुआ है बेटा हाफ दिस इज लॉग

किस पर डिपेंड होते हैं बेटे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन प्लस डी स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन था ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑर्डर हो गया एक, और थ्री और इसकी पावर वन तो डिग्री हो गई वन और तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बिल्कुल एक्सपेक्टेबल है तभी डिग्री कह रहे हैं यस डी इसका आंसर ऑर्डर थ्री डिग्री

इसको मैंने डेफिनेशन करते ही आपको समझाया था दिस विल बी मॉडुलस ऑफ लेमडा इन टू ओके मॉडुलस लैम्डा अब लैम्डा बेटे देखो माइनस थ्री और टू के बीच में लाई करता है ओके okay? तो जब आप इसका मॉडुलस यहाँ पर बात कर रहे हैं लैम्डा की ये डिफरेंट वैल्यूज हैं तो मॉडुलस आपका एक्चुअल में लैम्डा के क्या बात करेंगे बात करू माइनस थ्री और टू के बीच में है, तो ऑफ एक्चुअली तो और थ्री के बीच। एग्रीड। अगर आपकी माइनस थ्री मिनिमम वैल्यू आ रही है तो थ्री तक जा सकते हैं आप हाईएस्ट लेकिन मिनिमम आप तक है क्योंकि तो मॉडुलस की बात हो रही है नेगेटिव में नहीं जा सकते राइट मॉडुलस की बात हो रही है तो ये आपका हो जाता है बेटा मैक्सिमम हो जाएगा जब यहीं एमडा मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई कर दूं मैं राइट तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आने और ये आपका मैक्सिमम थ्री आने वाला है और मैग्नीट ये हमें देखा बेटा थ्री थ्री इंटू थ्री नाए नाए। नाए दो आप दो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये रखिए कि जब हम स्केलर मल्टीपल की बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव किसी हाल में नहीं अब बच्चे क्या करते हैं सीधा इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन और सिक्स फुल नहीं फुल नहीं है अभी जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं होगा तो लेमडा की मॉडलस वैल्यू आपको पहले इन एन एलपीपी पी पी द लीनियर फंक्शन विच टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉल्ड अ लीनियर Yes. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फ्रंट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल बेटा सिंपली मीन्स परपेंडिकुलर और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हम कब काउंट करते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल टू इ

थोड़ा सा घूम गुम आके क्वेश्चन था बेटा बट देखिए ए डॉट बी बी की फॉर्म में ही दे रखा है ए खुद दे रखा है दैट मीन्स आप मैग्नीट्यूड ए कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट करें हो गया रूट ऑफ वन प्लस माइनस टू स्कर प्लस थ्री स्कट मीन ऑफ फोर ओके अब ये जो रिजल्ट दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी सीधा मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट्यूड बी नहीं किया जा सकता यहाँ हम करते हैं इसका इसका स्केयर और ये जो मैग्नीट्यूड ए माइनस टू बना दैट मीनस ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी जिसमें हम लगा सकते हैं ए, ओके okay? ये हम बार बार बात कर चुके ओके, इज प्लस बी स्क् वही हम सेम डॉट प्रोडक्ट में सकते हैं स्केयर में हो जाएगा मैग्नीट्यूड स्केयर और जहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिफरेंट पॉइंट रूट सेवन स्केयर इज सेवन बस अब यूज करना था सी

ट्यूड negative नहीं, negative नहीं, की बात कर रहे हैं रूट सेवन दैट मीन ओकेशन रीजनिंग क्वेश्चन बेटा इन द्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ अजर्शन रीजनशन को ए लिख रहे हैं रीजन को आर लिख रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए चूज करिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी चूज करिए बट आर फॉल्स है सी चूज करिए फॉल्स है बट आर ट्रू है आई होप इन ऑप्शन की आपको हैबिट हो गई अभी तक

साइन की भी पावर ऑड बड़ी पावर देख के घबराइए मत बेटा हमने तो ऑड इवन चेक कर ओके प्लस वन तो अब जब रख रहे हैं तो ये तो हो गया ठीक है माइनस एक्स ये भी हो गया माइनस ठीक है लेकिन प्लस वन है अभी तो एफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स एग्जैक्ट माइनस एफ आता है तब आप कहते हैं ऑड है अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये plus one है तो odd नहीं कह सकते आप ऑड नहीं कह सकते तो आप इसको सीधा जीरो नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू एफ एक्स इज ऑफ जीरो बिल्कुल यही रिजल्ट हम बात कर रहे थे बेटा रिजल्ट ट्रू है बट क्योंकि एजर्शन ही ट्रू नहीं है तो हम अभी एक्सप्लेनेशन बात कर ही नहीं सकते अभी तो एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है दैट ही आंसर ठीक है एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री फोर फाइव फ्रॉम z एक्सिस इज फाइव यूनिट्स यस ये डिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं बेटा

modulus of c this is false. this is false ki z axis se nahi rather x y plane se let me just explain you the beta dekhi yahan kahi maan lijiye is octant mein abc point hai ab abc point yahan hai okay Let me just say कि ये आपका A हो गया यहाँ पे कहीं आपका B हो गया और यहाँ z-axis. ये मतलब होता है मतलब यहाँ पॉइंट से आप एक्स वाई पर जो परपेंडिकुलर डालोगे उसकी लेंथ ये सी के इक्वल आएगी राइट मैं इसको जनरल एक बार आपको अब यहाँ देती हूँ लेंथ ऑफ इसकी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर पहली बात कर रहे हैं हम एक्स वाई प्लेन पर बैठे वो होगा एक्चुअल में जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड राय जेड प्लेन पे बात करेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट का होगा जेड एक्स प्लेन पे बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ठीक है ये प्लेन से डिस्टेंस की बात होती है सीधा कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट से बात करते हैं ओके okay. पॉइंट से देखिए अभी जो ही जो बात कर रहे हैं हम सपोज थ्री फोर फाइव यहाँ है हम कह रहे हैं कि जेड एक्सेस डिस्टेंस तो एक्चुअली उस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है कोई यहाँ पर पेंडिकुलर डाला हुआ है अब वो निकलेगा कैसे बेटा अब देखिए उस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर है आपका ये डिस्टेंस ए ये डिस्टेंस बी एक्चुअल में ये बी ये आपका उसका डायगनल ही होगा ना ये आपका परपेंडिकुलर होगा ये यहाँ जो एक तरीके से आपका राइट right ट्राइंगल बन रहा है उसका हैप्टन है। ओके तो ये आपका थ्री था ये फोर था तो ये हैप्टन क्या होगा उसके रूट ऑफ थ्री स्क्र प्लस तो आपको इसको भी आपको बताया था x एक्सिस पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो वो होगा बेटे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के स्केर परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो वो होगा उसको छोड़ के बाकी दो coordinates, right? तो बिल्कुल आपको कहा था roughly रख ली okay? और Z -axis पर परपेंडिकुलर की length, square root of a square plus, okay? तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि planes पर perpendicular की डायरेक्ट से आप कह सकते हैं लेकिन एक्सिस पर की लेंथ आपको, ओके तो यहाँ क्या हुआ एजर्शन ट्रू रीजन फॉल्स दैट मीन सी सी वाज़ द ओके तो यहां आपके एमसीक्यूज़ डिस्कस हो जाते हैं बेटा चलिए दैट्स ऑल फॉर